देखिए ये बड़ा सुंदर दृश्य है यहाँ का, जो यहाँ के जो टीचर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कमियाँ भी दिखाएंगे आपको। वाह क्या बात है, कौन सिखाता है जी? देखिए किस तरह से बच्चे खेल रहे हैं। स्कूल होता तब तक मान्यता रद्द हो जाता उनका, लेकिन प्राइमरी स्कूल में यानी सरकारी स्कूल में ये जा रहा है 11,000 के वोल्टेज का। एक बार हमारे सर पर लगा था 80 साल भर पहले, हम इसमें बच्चे को पढ़ा रहे थे और एक बार वो गिरा वहाँ से और हमारे सर पर चोट लगी थी और फूट गया था हमारा। विद्यालय में जो पदमपुर गांव आता है और इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जो 1 से 8 तक चलता है, इस समय हम है 1 से 5 तक, और इधर आप देख रहे होंगे एक भवन बन रहा है 6 से लेके 8 तक वो है, उसमें पढ़ाई होती है और यहाँ पे 1 से 5 तक होती है। और आप देख रहे हैं लगातार मैं जा रहा था रोड से तो प्राइमरी स्कूल ये पढ़ा, और हमें बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के जो टीचर हैं वो खेल खिला रहे हैं। और देखिए देख सकते हैं आप कि कबड्डी हो रहा है और यहाँ पे लड़के लड़कियाँ यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो मैडम जी हैं वो भी आप देख सकते हैं कि इस समय खिला रही हैं उनको, लड़कियों को। आइए आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ बैठिए। चलिए करके दिखाओ तो जरा। वाह क्या बात है, कौन सिखाता है जी? बहुत बढ़िया। अब लगता है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है वो खेल के प्रति जागरूक है और खेल के लिए कुछ कर रहे हैं, उसको भी हम दिखाएंगे। ये इंस्ट्रूमेंट है कुछ और इसको घुमाया जाता है और बच्चे आसानी से, तुम ही सिर्फ घुमा लेते हो कि और घुमा लेता है? कोई लड़की है आ जाओ। देखिए एक बच्ची अब जा रही है घुमाने के लिए, चलो बाबू। देखिए ये बड़ा सुंदर दृश्य है यहाँ का, जो यहाँ के जो टीचर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो टीचर लोग हैं वो खेल के प्रति जागरूक हैं और पढ़ाई के प्रति कितने जागरूक हैं इसको भी हम दिखाएंगे। देख सकते हैं बहुत बढ़िया। देखिए अब इधर हम थोड़ा सा घुमाकर दिखा देते हैं और यहाँ की कमियाँ भी दिखाएंगे आपको अभी, यहाँ की पहले अच्छाइयाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सर हैं और कबड्डी खिलवा रहे हैं और जिस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से खेला जाता है और कैसे, देखिए एक बार यहाँ पे दिखाइए। देखिए किस तरह से बच्चे खेल रहे हैं। इस समय इंटरवल हुआ है क्या सर? अच्छा गेम का घंटी चल रहा है, गेम की घंटी चल रही है। लो भैया हर जगह जो है कि ना गेम की घंटी होती है ना कला की घंटी होती है जल्दी, लेकिन इस विद्यालय में यह ब्लॉक प्रमुख का गांव है जो मसाला सिंह नाम है जिनका, उनका गांव है, उनके प्राथमिक विद्यालय में ये हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि और भी प्राथमिक विद्यालय हैं उन पे भी आप ध्यान दीजिए, उसको भी हम जाकर दिखाएंगे। और यहां की जो भवन है आप एक बार देख सकते हैं कई जर्जर है ये भवन करें सर, ये रूम जो है एकदम जर्जर हो गया है और हम लोग कई बार गवर्नमेंट में अप्लाई कर चुके हैं लेकिन अभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा जी सर, कई बार आप देखिए टीचरों की गलती नहीं है, टीचरों में जितना भी गुण है जितना भी सीखे हैं अपने स्कूल में कॉलेज में उतना बच्चों को समर्पित कर रहे हैं, जो उतना सिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो सरकारें हैं, हमने तो अच्छाई कुछ दिखाई लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से भवन का निर्माण कर रही है, किस तरह से भवन पे ध्यान दे रही है उसको हम दिखाना चाहते हैं। देखिए ये बर्जा है, एक मिनट आइए जरा, ये आप देख सकते हैं ये बर्जा है, ये पूरी तरह से इसका जो खदर के टूट रहा है, लेकिन अगर यह गिरता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा जी? लाइन भी जा रही है, कई बार टूट चुका है सर। यह प्राइवेट स्कूल होता तब तक मान्यता रद्द हो जाता उनका, लेकिन प्राइमरी स्कूल में यानी सरकारी स्कूल में ये जा रहा है 11,000 के वोल्टेज का यह तार, लेकिन इसको पर कोई भी ध्यान नहीं है। चलिए इसकी जाँच के लिए हम विकास जो अधिकारी हैं यहाँ के उनको हम समर्पित करते हैं यह वीडियो। देखिए यहाँ पे आप एक बार रूम जाकर घुमा कर दिखाइए, ये कचरा के लिए रखा गया है जी, डस्टबिन। हाँ आइए थोड़ा सा, देखिए ये बच्चे बैठे हुए हैं, संस्कार सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया है? देखिए ये बच्चे खड़ा हो गए, फैन एक लगाया गया, हालांकि
और इस की जो भवन है वो जर्जर हो चुकी है, कभी भी गिर सकता है सर, इसके कोई गारंटी नहीं है। इसको किसी को लग भी जाता होगा? नहीं नहीं सर, गिर गया था एक बार, हमारे सर पर लगा था 80 साल भर पहले, हम इसमें बच्चे को पढ़ा रहे थे और एक बैग वो गिरा वहाँ से और हमारे सर पर चोट लगी थी और फूट गया था हमारा। फिर हमने पजाना लाइट की व्यवस्था नहीं, लाइट नहीं, वो खिड़की थोड़ा सा मौसम ऐसा है इसलिए जोरा नहीं आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन छत सर देखिए वहाँ से सिम भी रहा है, कोने से देखिए वो सिम रहा है, सर दिखाई दे रहा है होगा आपको। मैं ही पढ़ा रहा था जी, मैं पढ़ा रहा था सर, और ये छत से ऊपर टूट के गिरा और ये सर, मतलब ये छत टूट के गिरा और हमारे सर पे चोट लगी थी, लेकिन इसका कोई ख्याल नहीं करता। हम लोग यहाँ एक बार मतलब बेसिक साहब भी आए थे, इसको देखे कहने ये बहुत जरूरी है, इसको गिराना बहुत जरूरी है, इसमें कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन आज तक कोई इस पर सुनवाई नहीं हुई। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हम लोगों को इसमें पढ़ाना है, अगर कोई हादसा होता है तो ये कहेंगे कि प्रधानाध्यापक जिम्मेदार है, सहायक अध्यापक जिम्मेदार है इसका जी। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि आप अगर यहां पे बच्चों पे ध्यान देना चाहते हैं, बच्चों पे अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो इस सबसे पहले भवन को आप सुधारिए। कहा जाता है कि जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है, उसी तरह शिक्षा लेने के लिए एक भवन की जरूरत होती है, जो आपका भवन ये देख सकते हैं किस तरह से, हालांकि आपकी सरकार में ये नहीं बना है लेकिन अब यह जर्जर हो चुका है, इसको आपको ध्यान देना चाहिए जी। देखिए इधर आप देखिए वहाँ का भी टूट रहा है। चलिए एक बार हम यहाँ का जो शौचालय है उसको हम दिखाना चाहते हैं, आइए थोड़ा जल्दी आइए। देखिए शौचालय की जो स्थिति है ये देखिए इस तरह से ये टूट गया है, और आइए थोड़ा सा जरा यहाँ पे दिखाइए शौचालय, देखिए खराब हो गया है। अच्छा ये खराब बना दिया गया है अभी, नया बना दिया गया है, ताला एक में मारा गया है बालक का, ये सब साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे इसमें आते हैं, ये बालिका और बालक के लिए भैया, ये तो सही है बालक बालिकाओं के, चलिए बालक बालिकाओं की तो सही है, चलिए यहाँ को ये मतलब बहुत समस्या नहीं है, यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, ये पुराना वाला ये खराब हो गया है, जिसको इसकी जगह नया बना दिया गया है। ये हमारे रेल मंत्री जो थे क्या नाम था उनका, मनोज सिन्हा जी बनवाए हैं और उन्हीं की कर्मों द्वारा बनाया गया है, के कर्म कर कमलों से जो है कि बनाया है शौचालय। और यहाँ पे एक वाहन आपको खड़ी दिखाई दे रही होगी, ये वाहन इंस्ट्रूमेंट का है और इस समय चल रहा है खेल की घंटी और सर लोग खेल खिला रहे हैं। तो चलिए बहुत अच्छा लगा यहाँ का जो टीचर हैं, जो व्यवस्था है यहाँ की वो, और यहाँ पे जो भवन है इसको देखकर कहीं ना कहीं दिल में मन में शंका है, तो इसको आप ज़रूर देखें और यह समर्पित करता हूँ उन जिम्मेदार अधिकारियों को, आप ज़रूर देखें और इस पे जांच बैठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।